सारा देख लो स्टील गेट तोड़ देंगे तो मजमारे नहीं। चलो आगे बढ़े, क्या पढ़े थे? राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदयकरण। बोलो इस्लाम का उदयकरण। इस्लाम का उदयकरण कहाँ हुआ बाबू? काबा। काबा यानी कहाँ? सऊदी अरब। कहाँ पर हुआ? सऊदी अरब। किनके जन्म के साथ? पैगंबर मोहम्मद के साथ। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 में। कब हुआ? 570 में। बोलो 570 में रहेगा। यस सर। उसके बाद इनको ज्ञान कब मिला? 612 में, 612 यानी करीब 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। किन से? जिब्राइल से। जिब्राइल कौन थे? एक दिव्य आदमी थे जो इनको आकर कुरान की ज्ञान देते। कहां पर? हीरा नामक गुफा में। कहां पर बाबू लोग? उससे पहले एक कॉमन आदि मात्र थे और इनको कहा जाता है जिब्राइल। क्या कहा जाता है? जिब्राइल। पूरा बोले जिब्राइल अल्लाह अस्सलाम। बोलो जिब्राइल अल्लाह अस्सलाम। जिब्राइल अल्लाह अस्सलाम। बोलो जिब्राइल अल्लाह अस्सलाम। तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ हीरा नामक गुफा में। ठीक है। उसके बाद ये अपनी उमा के साथ यानी अपनी ज्ञान अपने शरीयत के हिसाब से ये आगे की ओर बढ़ते हैं, विद्रोहों को दमन को रोक देते हैं क्योंकि काबा में बहुत सारे बूते, बूते कहने मतलब कि बहुत सारे मूर्ति रखा गया था, है ना, स्टैचू वगैरह, अपने अपने धर्म के अनुसार लोग अपने अपने आस्था के अनुसार रखे हुए थे जिनको पूजा पाठ कर सके। लेकिन इन्होंने क्या कहा जब इनको नॉलेज प्राप्त हो गई, इन्होंने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी रसूल सिर्फ एक ही हो सकते हैं, सिर्फ आप अल्लाह को माने। किनको माने आप लोग? सिर्फ एक भगवान, सिर्फ एक भगवान। समस्या पर? नो सर। ये बात कब इनको पता चला? 612 में। 612 में। उसके बाद जब ये 622 का समय आता है, 622 का समय आता है, तो बाकी जो काबा में और भी लोग थे उनको इनसे दिक्कत होने लगा, इनकी बात को उनको चुभने लगा कि हमारे धर्म के ऊपर या हमारे आस्था के ऊपर ये ठेस पहुंचाने काम कर रहा है, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, इन लोग के ऊपर विद्रोह कर देते हैं, यानी इनके साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तब इनको मजबूरी में आकर के 622 में काबा से मदीना जाना पड़ता है। कहां पर बाबू? काबा से मदीना। काबा से मदीना। काबा से मदीना। काबा से मदीना। ई मदीना में जाते हैं तो यहां से यानी काबा से जो मदीना ये जाते हैं, काबा यानी मक्का, काबा यानी मक्का, काबा यानी मक्का, तो मक्का से जो ये मदीना जाते हैं तो उस समय एक कैलेंडर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? कैलेंडर। कैलेंडर का नाम होता है हिजरी। तो इस्लाम के कैलेंडर को क्या बोलते हैं? हिजरी। इस्लाम के कैलेंडर को हिजरी। सारे बोलो हिजरी। मिला रखी नहीं? यस सर। आप 622 के बाद इसके 10 साल के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब का डेथ हो जाता है, वो अपने धाम चले जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक। तो पैगंबर मोहम्मद साहब यहाँ डेथ हो जाते हैं, लेकिन इनकी पत्नी जो होती है आयशा वो बच जाती है। कोई दिक्कत यहाँ पर? समस्या यहाँ तक नहीं होता है। अब यहाँ जो होते हैं इनके जो करीबी होते हैं इनमें अपना ही गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है कि अब उमा यानी कि अल्लाह का जो शरीयत, जो कुरान की जो शरीयत, इसको आगे कौन लेके बढ़ेगा। तो इसके बाद आते हैं चार खलीफा। कौन खलीफा बाबू? चार खलीफा यानी 632 से लेकर 661 तक। 632 से 661। तो कौन कौन आते हैं? बोले अबू बकर, अबू बकर, उमर, उमर, उस्मान, उस्मान, अली, अली, अबू बकर, अबू बकर, उमर, उमर, उस्मान, उस्मान, अली, अली। आप कह सकते ए ए यू यू। बोलो ए ए यू यू। ए ए यू यू यानी कि अबू बकर, अली, अली, उस्मान, उस्मान, उमर, उमर, दो ए दो यू। ठीक है। फिर बोलो अबू बकर, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अली। तो अबू बकर क्या करते हैं बाबू? अबू बकर जो इनके देखो इन लोग क्या किया, खलीफा, इनको कहते हैं खलीफा। इन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? खलीफा। क्या घोषित किया? खलीफा। खलीफा कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम। क्या बोलते बाबू? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम का माने की जो उनके बाद मोहम्मद साहब के बाद जो आ गए ताकतवर बनने के लिए उनको कहते हैं। ठीक है। तो ये अबू बकर क्या किया? विद्रोह को दमन करने के लिए सभी विद्रोह को दमन कर दिए और उसके बाद ये आगे लेकर चलते हैं। फिर दूसरा का आते उमर। उमर आते बाबू तो ये उमा की पॉलिसी को यानी उमा जो होता है शरीयत वगैरह जो कानून वगैरह होता है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो ये इनसे टैक्स लेते हैं यानी कि काबा और मक्का मदीना जो भी लोग यहाँ पर आएंगे तीर्थ स्थल करने के लिए या घूमने फिरने के लिए व्यापार से उनसे ये टैक्स लेंगे। क्या करेंगे? टैक्स लेंगे। क्या करेंगे? टैक्स लेंगे। टैक्स लेंगे।
तो ये टैक्स उनका काम चल नहीं रहा था, तो ये उमर क्या किए, जो लोग आते थे उसको लूटपाट करके वो अपने टैक्स को और अधिक गैदर करना स्टार्ट कर दें। और जमानी लूट पर इनका ज्यादा भरोसा था उमर का, कोई दिक्कत यहाँ पर? बाकी के दो खलीफा में अगले क्लास में बताएंगे।